आपके भरोसे पर खरे उतरकर हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। समेकित शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन व नामांकन के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण किया गया। कंपोजिट विद्यालय कटरा बाजार गुंडा में समेकित शिक्षा के अंतर्गत 40 नोडल शिक्षकों की 1 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया। नोडल शिक्षकों के प्रशिक्षण में तकनीकी जानकारी के लिए प्रेरक फिल्मों, वीडियो क्लिप का प्रोजेक्टर से अवलोकन कराया गया। प्रशिक्षण में 40 शिक्षकों ने भाग लिया। बच्चों के मुख्य धारा में समावेशन के लिए समर्थ ऐप के बारे में जानकारी दी। शिक्षण में प्रथम चक्र में विकासखंड के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चयनित 40 नोडल शिक्षकों की कार्यशाला आज संपन्न हुई। चयनित 42 शिक्षकों की कार्यशाला 22 मार्च को होगी। कार्यशाला को संबोधित करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी RPC ने कहा कि 24 राष्ट्रीय औसत के अनुसार लगभग 2% दिव्यांग है, किंतु सर्वे में ये बच्चे छूट जाते हैं और जब तक सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा नहीं जाएगा, प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण संभव नहीं है। प्रशिक्षक श्री ओम प्रकाश सिंह ने 22 प्रकार के दिव्यांगता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षक श्री शिव प्रसाद यादव ने समर्थ ऐप व होम बेस्ड एजुकेशन के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षक विशेष शिक्षक ने दिव्यांग बच्चों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं व प्रमाण पत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आज न्याय पंचायत पूरे बिहूरी व न्याय पंचायत जगदीशपुर बल्दी के विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण भी संपन्न हुआ। 22 मार्च को न्याय पंचायत कटुआ नाला वीरपुर व वीरवा न्याय पंचायत के प्रबंध समितियों का प्रशिक्षण होगा तथा PRC पर संचालित 4 दिवसीय FLN प्रशिक्षण के 3रे चक्र का समापन होगा, जिसमें 115 शिक्षक प्रतिभाग कर रहे हैं। 22 मार्च से परिषदीय विद्यालयों में वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ होगी, जिसके प्रश्न पत्र आज मुख्य संकुल शिक्षकों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। वेजनाथ अवस्थी के लिए।